हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में अपन जानेंगे सरकार के कुछ नए नियम अपडेट को, इसके अलावा सरकार नया नोट जारी करने जा रही है उसको भी, इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए बड़ा अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है, तो बहुत सारे देश में नई स्कीमें भी हैं। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को अपन जानते हैं फटाफट से। सीधे बात करते हैं पहले बड़ी खबर की। तो अब प्रीपेड सिम से भी कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉल, ट्राई ने 6 साल पुराना नियम बदल दिया। जी हां, बहुत अच्छी खुशखबरी है अगर आपके भी पास मोबाइल है और सिम कार्ड है। तो दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने देश के करोड़ों प्रीपेड सिम धारकों को बड़ी राहत दी है। दूरसंचार नियामक ने 6 साल पुराने नियम को बदलते हुए प्रीपेड सिम कार्ड धारकों को इंटरनेशनल कॉल करने या रिसीव करने की सुविधा प्रदान कर दी है। अब आप अपने मोबाइल से इंटरनेशनली कॉल कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों। तो जल्द ही जारी किया जाएगा 20 रुपए का नया नोट, जानिए क्या है इसकी खासियत। जी हां दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे होंगे ना, हल्के पीले कलर का ही एक 20 रुपए का नया नोट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जल्द ही जारी किया जाएगा। दरअसल नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग सभी नोटों के फीचर बदलवा दिए हैं और इसी कड़ी में आरबीआई अब 20 रुपए के नोट को भी बदलने जा रहा है। आरबीआई ने इस बात का ऐलान शुक्रवार को किया है। 20 रुपए के इस नए नोट पर आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे और साथ ही ये नोट भी महात्मा गांधी की नई सीरीज के तहत ही लॉन्च किया जाएगा। और हां दोस्तों, इसके अलावा भी आपके मन में अगर ये डाउट है कि 20 रुपए का यह नया नोट जारी होने के बाद पुराने नोट चलेंगे या नहीं, यह उनका क्या होगा, तो रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुराने नोट नए आने के बाद भी मार्केट में चलते रहेंगे। ओके, इस नोट के फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो इस नोट के पिछले हिस्से पर वर्ष के साथ में स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन लिखा होगा। इसके अलावा 20 रुपए के नए नोट का आकार 63 mm मल्टीप्लाई 129 mm होगा। इसके साथ इस नोट के पिछले भाग पर भाषा की पट्टी भी होगी। ओके, अगली बड़ी खबर दोस्तों, चीन ने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को माना भारत का हिस्सा, मानचित्र में दी जगह है। जी हां, चीन ने समूचे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मान लिया है। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट की दूसरी बैठक थी, जिसमें डिस्प्ले किए गए मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत पूरे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को मानचित्र में भारत का हिस्सा दर्शाया गया है। यह मानचित्र चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से लगाया गया था। तो ये भारत देश के लिए अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अब शाम 8 बजे से नहीं खेला जाएगा आईपीएल मैच, और उसके कारण बदला टाइम। जी हां, आपको पता होगा आजकल भारत में आईपीएल क्रिकेट मैच के सीजन चल रहे हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई प्रशासकों की एक समिति COA ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 12वें सीजन के प्ले ऑफ मैचों की समय सीमा में बदलाव किया है, यानी कि टाइम टेबल को चेंज किया है दोस्तों, और अब प्ले ऑफ मैच 8 बजे की जगह पर शाम को 7:30 बजे ही शुरू होंगे, है ना दोस्तों। तो आईपीएल और क्रिकेट के फैंस इस बात का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली अच्छी और बड़ी खबर है, डाटा चोरी कर रहे 100 चाइनीज एप्लीकेशन को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। जी हां, दरअसल दोस्तों, आए दिन गूगल अपने प्ले स्टोर से कई सारे एप्लीकेशन को डिलीट करता रहता है, और आपको पता होगा हाल ही में तो टिकटॉक को भी डिलीट कर दिया था ना। तो ऐसे में दोस्तों, गूगल ने एक बार फिर से डाटा चोरी कर रहे 100 चाइनीज एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है, क्योंकि ये डाटा चोरी का काम कर रहे थे। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, बीमा कंपनियों से है परेशानी तो ऐसे करें शिकायत, IRDA लेगा एक्शन। जी हां दोस्तों, आपने भी LIC वगैरह कहीं पर भी कोई भी अपना इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, और अगर कोई बीमा कंपनी आपको अपनी सेवाएं अच्छे से नहीं देती है, आपको अपनी बीमा क्लेम राशि लेट देती है, या वगैरह वगैरह और कोई आपको परेशानी आती है अपनी बीमा कंपनी से, तो ऐसे में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं 155255। इस पर कॉल करके आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं उनकी, इसके अलावा ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये बीमा कराने वालों के लिए अच्छी खबर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगले बड़े खबर है, क्रिकेट के लिए खुशखबरी है, अमेरिका के बाद अभी इन 2 देशों को भी मिला वनडे क्रिकेट का दर्जा। जी हां, वैसे क्रिकेट देखने वालों के लिए अच्छी खबर है ये। दरअसल नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी की क्रिकेट टीमों ने अपना वनडे क्रिकेट का दर्जा हासिल कर लिया है। नामीबिया ने ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 टूर्नामेंट में हांगकांग और पापुआ न्यू गिनी ने ओमान को हराकर वनडे क्रिकेट का दर्जा हासिल किया है। तो ये दो नए देशों को भी वनडे क्रिकेट का दर्जा मिल गया। अच्छा, अगले बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश को लेकर है, अब एकल विवाह के लिए पैसे नहीं देगी सरकार। जहाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक मध्य प्रदेश राज्य में ये स्कीम थी कि जब किसी भी लड़के लड़की का विवाह होता था तो सरकार की स्कीम के तहत उसको कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत एकल विवाह यानी कि घर में किसी एक लड़के लड़की की शादी है तो उसको नहीं मिलेगा, बल्कि सामूहिक विवाह जो होते हैं ना, सम्मेलन वगैरह, उन्हीं के लिए राशि मिलेगी। तो वो जो स्कीम थी उसको सरकार ने वापस ले लिया है। अब क्या है, कांग्रेस की सरकारें हैं। चलिए अपन बात करते हैं आज के मौसम समाचार के दोस्तों। तो इन राज्यों में चक्रवात के तांडव का अलर्ट है, अगले 12 घंटे में दस्तक दे सकता है। जी हां, दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 27 अप्रैल को एक अलर्ट जारी किया था और कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र गहरा गया और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। विभाग ने कहा कि अगले 12 घंटों के दौरान
चक्रवाती तूफान या फिर प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। उसने मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की हिदायत दी है। 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी तूफानी हवाएं चल सकती हैं। अब ये स्पेशली अलर्ट कौन कौन से राज्यों में है दोस्तों, तो इसके लिए ध्यान दें, यहाँ पर तमिलनाडु, पांडिचेरी तटों, इसके अलावा कोमोरिन इलाके, मन्नार की खाड़ी, केरल के तटों पर ये हवाएं चल सकती हैं। ध्यान रखें, आप सावधान रहें अगर इन क्षेत्रों में रहते हैं तो। ओके, और इसी के साथ ही वेदर न्यूज अपडेट यानी कि मौसम समाचार को लेकर एक और अपडेट आप देख पा रहे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव वाला क्षेत्र चक्रवाती तूफान फनी में बदल गया है और मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। और ऐसे में 1 मई के बीच तक श्रीलंका, पांडिचेरी, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों को आसपास समुद्र में नहीं उतरने की सलाह दी गई है। तो ये फनी करके तूफान आ रहा है, तो आप सावधान रहें दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले बड़े खबर है। देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक जिसने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है, एक फोन कॉल पर खाली हो रहे हैं बैंक खाते। जी हां, दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अलर्ट जारी किया है और एक फोन कॉल से आपका खाता खाली हो सकता है, सारे पैसे उठ सकते हैं। मगर कैसे, तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट करके अलर्ट किया। आप देख सकते हैं, स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम गिविंग आउट एनी कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद हैशटैग सेफ बैंकिंग टिप्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ। जी हां दोस्तों, आए दिन मैं आपको बताता रहता हूं ना इस तरह की खबरें कि दोस्तों कभी भी किसी का भी फोन कॉल आए, चाहे नरपत चंद जी का फोन आए, तो भी आपको अपनी बैंक डिटेल्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासवर्ड, सीवीवी, ओटीपी, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल फोन पर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। चाहे जिला कलेक्टर का फोन आए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करे, फिर भी आपको नहीं बताने है। चाहे कोई खुद बैंक का आदमी बन करके फोन करे तो भी नहीं बताने। ध्यान रखिएगा, समझ गया ना कुल मिलाकर के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब, है ना। इतना मैं आपको बताता रहता हूँ, उसके बावजूद मैं हर रोज कई सारी ऐसी खबरें देखता हूँ दोस्तों कि कई सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ऐसा बता देते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि जागरूकता लोगों में है ही नहीं है। अब मैं अकेला करूँ तो करूँ क्या, मेरा तो फर्ज है आपको ये चीजें बताना, अलर्ट करना। मैं आपको बताता रहता हूँ हर रोज न्यूज के माध्यम से इसी तरह की कई बातें, लेकिन सावधानी आपको रखने की जरूरत है दोस्तों। फोन पर कभी किसी के साथ ऐसी चीजें शेयर ना करें प्लीज, है ना, ताकि आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगले बड़ी खबर की। तो लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण को लेकर अपडेट है। चुनाव प्रचार चौथे चरण का खत्म हो चुका है और देश के 9 राज्यों में 71 सीटों पर चौथे चरण का मतदान होगा। 71 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इन राज्यों में होगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। तो चुनाव के वजह से कई जगहों पर छुट्टियां भी रहने वाली हैं वैसे। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, अपन अगली बड़ी खबरें जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए हम सिलेक्टेड खबरें लेकर आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी काम की खबरें आपके मोबाइल तक हर रोज पहुंच जाए, तो इसके लिए तुरंत आप इस वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर दबा ही देना। ओके, चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको अगले अपडेट की तरफ। तो देख पा रहे अगली बड़ी खबर में, जान लेते हैं आज के सोना चांदी के भाव। तो सोना हुआ दोस्तों 50 रुपए सस्ता, क्योंकि 2 दिन के बढ़ोतरी के बाद सराफा बाजार में सोने के दामों में गिरावट आई है। तो सोना 50 टूटकर 32,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और वही चांदी में स्थिरता रही है, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद चांदी का रेट है दोस्तों 38,750 रुपए प्रति किलो। ओके, वही अगले अपडेट में जान लेते हैं दोस्तों आज के पेट्रोलियल के भाव। तो पेट्रोलियल में कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद बेसिकली भारत में पेट्रोल का रेट है 72.75 रुपए प्रति लीटर और डीजल का रेट है 66.89 रुपए प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के पेट्रोलियल की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही अगला अपडेट है दोस्तों, यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2019 को लेकर है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट घोषित हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तकरीबन 10वीं में 80% स्टूडेंट पास है जबकि 12वीं में 17% स्टूडेंट पास हुए। अब आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय रेलवे ने आसान बनाई कंफर्म टिकट की बुकिंग, जाने या नई सर्विस के बारे में। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अपनी सुविधा को और अच्छा देने के लिए एक नया मॉडल पेश किया है, यानी कि अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। नई वेबसाइट irctc.co.in में कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े गए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कई सारे काम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, irctc ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। उसके जरिए आप बिना लॉगिन किए ट्रेन और सीट की उपलब्धता चेक कर सकते हैं। यूजर्स को अपनी सुविधा अनुसार पूरी वेबसाइट पर फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प भी मिल गया है। ये प्रैक्टिकल लाइव आप देख सकते हैं। ये अलग अलग फॉन्ट साइज वाले सेक्शन भी दिए हुए हैं जिसके मदद से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नई वेबसाइट पर प्रस्थान समय, आगमन समय, क्लास, ट्रेन और कोटा जैसे कई सारे नए फिल्टर्स यात्रियों को ट्रेवल प्लान में मदद के लिए दिए गए हैं। तो कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स का आप फायदा उठा सकते हैं और उठाइएगा। ओके, अच्छा अगला अपडेट दोस्तों, 1 रुपए में सोना खरीदने का शानदार मौका है। पेटीएम, गूगल पे से भी खरीद सकते हैं गोल्ड और महज 1 रुपए में भी दोस्तों आप 24 कैरेट सोना खरीद सकते हैं। वैसे फिजिकल मार्केट में आपको 1 रुपए में सोना खरीदने को नहीं मिलेगा शायद, लेकिन दोस्तों आप डिजिटल मार्केट में ऐसा कर सकते हैं। दरअसल पेटीएम वगैरह, गूगल पे भी अब आपको डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, आपको पता होगा, तो ऐसे में आप भी खरीद सकते
सकते हैं इनकी मदद से डिजिटल गोल्ड। बिल्कुल 24 कैरेट सोना मात्र 1 रुपए में भी खरीद सकते हैं। आपके पास 10 रुपए तो 10 में भी खरीद सकते हैं। जब सोने के भाव बढ़ जाते हैं तो वहीं पर वापस डिजिटली बेच दीजिए तो आपको नफा होगा। तो इस तरह का काम भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ये भी बिजनेस होता है कई लोगों का। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, आप 24 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर 1 रुपया शुल्क नहीं लगेगा। एयर इंडिया ने अपना नया नियम 1 मई से लागू करने जा रही है। यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ना। अच्छा, अगले बड़ी खबर है दोस्तों, भारत सरकार ने गेहूं पर बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, किसानों को होगा फायदा। जी हां, भारत सरकार ने गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 30% से बढ़ा करके सीधे 40% कर दिया है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इससे किसानों को अच्छा खासा फायदा होगा। सरकार ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी शाम को जारी कर दिया था, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक कोई भी शुभ कार्य करने से हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसी खबरें क्यों बता रहा हूं, तो मेरा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष शास्त्र को हल्का सा भी मानते हैं या ग्रहों की गति वगैरह में बिलीव करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में 28 अप्रैल से 3 मई तक जब जब चंद्रमा अपने परिपथ भ्रमण के काल में गोचर वश कुंभ और मीन राशियों में अथवा कहे की धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तराध में सतविशा पूर्वाद्रपद उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में होता है, तब इस काल को पंचक कहा जाता है और इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। ओ सॉरी, मैं थोड़ा खो गया था। तो दोस्तों, अब आप कुल मिलाकर के समझ गए होंगे ना। चलिए बात करते हैं अगले बड़ी खबर की। तो दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, भारत पूर्ण रूप से आजाद कब हुआ। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारे DLS टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, उस लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट वगैरह कुछ भी। अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसी कड़ी में आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज यही फिनिश होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमें काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।